एक 90 साल का व्यक्ति था और एक 30 साल का उसका लड़का, दोनों एक बगीचे में, उनके पास बहुत बड़ा खेत था, बगीचा डेवलप किया हुआ था और वहां एक कुआं था, कुएं से दोनों पानी निकाल रहे थे रस्सी से खींचकर। वहां मुल्ला नसीरुद्दीन पहुंच गए, उन्होंने कहा कि बाबा जी ये क्या कर रहे हो, अपने हाथों से पानी निकाल रहे हो? तो उसने इशारा करके कहा बिल्कुल चुप रहे, कुछ नहीं बोलना अभी। तो वो चुप हो गया। थोड़ी देर में जब बेटा इधर उधर हुआ तो बाबा जी बोले कि मैंने तुम्हें चुप क्यों किया पता है? बोले नहीं पता, मैं चाहता था तुम्हारी बात मेरा बेटा न सुने। कि क्यों न सुने? बोले तुम ये कहने वाले थे ना कि बड़ी बड़ी मोटर आ गई है आजकल कुएं से पानी निकालने वाली, बहुत आसानी से पानी निकाला जा सकता है, तो आप हाथों से पानी क्यों खींच रहे हैं? तुम ये कहना चाहते थे? बोले हाँ मैं ये कहना चाहता था, मैं ये भी कहना चाहता था कि आप घोड़े रख सकते हैं पानी निकालने के लिए, आप बहुत सारे दूसरे उपाय कर सकते हैं, आप अपनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत की आवश्यकता ही नहीं है। बोले भैया मैं 90 साल का हूं, आज 30 साल के युवा आदमी को हरा सकता हूं कुश्ती करूं तो, अगर तुम्हारी बात मेरा बेटा सुन लेता तो वो सोचता पिताजी मोटर ही लगा दो तो अच्छा है, हम मेहनत क्यों करें, या फिर घोड़े ही लगा दो तो अच्छा है, मेहनत क्यों करें, तो घोड़ा बलिष्ठ हो जाता मेरा बेटा कमजोर हो जाता, मैं चाहता हूं मेरा बेटा कमजोर ना हो। मैं आज 90 साल का हष्टपुष्ट इतनी ताकत वाला क्यों हूं? क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे बच्चे को भी चाहता हूं मैं अपने हाथ से पानी निकाले, मैं एक क्षण में मोटर लगा सकता हूं लेकिन मैं लगाना नहीं चाहता। आप और हम लोगों की स्थिति क्या है, बिना रिमोट वाले टीवी भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि उठकर जाना पड़ता है बटन चालू और बंद करने के लिए, और कई बार रिमोट इधर उधर पड़ा हो और बटन चालू बंद करना हो तो क्या स्थिति हो जाती है, आप अकेले हो कोई मदद करने वाला ना हो तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है, कौन जाएगा उस तरफ, कौन जाके बटन चालू करेगा। मेरी बहन ने बचपन में मुझे बुलाया कि प्रशांत प्रशांत जल्दी आ तुझसे एक काम है। अब कोई व्यक्ति आपको बुलाए और कहे कि कुछ काम है तो आप जिज्ञासा मन में पैदा होती है ना कि क्या काम है, सुन तो लूं। मैं गया उसके कमरे में कि क्या काम है, बोले बटन बंद कर दे पंखे का। मतलब ऐसी स्थिति है कि हम उठना नहीं चाहते, हिलना नहीं चाहते, सब काम ऑटोमेटिक करना चाहते हैं, और हमने हमारे ही शरीर को मशीन के अलावा कुछ नहीं, संवेदनाएं कहां चली गई, उपकार की भावना कहां चली गई,